फेस पैक आपके चेहरे की रंगत को इतना गोरा बना देगा कि लोग देख हैरान रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो इंग्रेडिएंट से बना एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जो जादू है आपके चेहरे की रंगत को निखारने के लिए, साथ ही साथ स्किन को स्पॉटलेस ग्लोइंग बनाए रखने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को निखार कर गोरा बनाने का काम करते हैं, साथ ही दाग धब्बों को लाइटन करते हैं और स्किन में चमक को बनाए रखते हैं। तो आपने एक चम्मच भरकर ऑरेंज पील पाउडर लेना है। सेकंड, आपको इसमें ऐड करना है हाफ लेमन जूस। लेमन में स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो स्किन को व्हाइटन एंड ब्राइटन बनाने का काम करती हैं। तो लेमन ऐड करने के बाद आपने इसमें इतना रोज वाटर ऐड करना है जितने में ये एक फाइन पैक बनकर रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, रोज वाटर में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होता है जिसकी वजह से रोज वाटर हमारी स्किन पर एक टोनर की तरह काम करता है और हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। तो मिक्स करने के बाद आपका ये फेस पैक बनकर रेडी है। अब आप इसे अपने क्लीन चेहरे पर एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपने इसे 20 से 25 मिनट ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़कर सादे पानी से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, ये फेस पैक आपकी स्किन पर जबरदस्त तरीके से काम करेगा, स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा, कालापन दूर करेगा और स्किन को स्पॉटलेस ग्लोइंग एंड स्मूथ बना देगा। तो आपको इस पैक को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आई होप गर्ल्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।